विविधता के रंग से भरे भारत के गांव आज नई कहानी कह रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने आज स्थानीय शासन को नए आयाम दिए हैं। ई ग्राम स्वराज के माध्यम से डिजिटल क्रांति का हाथ पंचायतों ने मजबूती से थामा है। इस डिजिटल पहल में NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की अहम भूमिका रही है। ई ग्राम स्वराज की शुरुआत ने भारत के गांवों और पंचायतों में काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। हर योजना, हर भुगतान का पता लगाना आज ग्रामीणों के लिए बेहद सुलभ है। इसके माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर शासन ने तो दस्तक दी ही है, साथ ही अब चुटकियों में ही ऑनलाइन काम होने लगे हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये संवाद मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में हो तो ई ग्राम स्वराज में संवाद पहले से कितना आसान हो जाएगा। और अब इस संवाद को एक अलग ही रंग मिला है ई ग्राम स्वराज और भाषिनी के मेल से। भाषिनी ने भाषा की बाधाओं को दूर किया है। पहले जहां ये वेबसाइट केवल अंग्रेजी भाषा में होती थी, आज AI टेक्नोलॉजी के उपयोग से 22 भाषाओं में उपलब्ध हो रही है। प्रत्येक भाषा में 16,000 से अधिक लेबल अनुवादित होने के साथ अब देश भर के उपयोगकर्ता अपनी मातृभाषा में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे इंक्लूसिविटी के साथ साथ उपयोग में सुलभता सुनिश्चित हो रही है। पूरा भारत आज एक सूत्र में जुड़ रहा है। सामुदायिक भागीदारी के एक नए युग की शुरुआत हो गई है और हमारी पंचायतें हो रही हैं और भी सशक्त। तो आइए मनाते हैं जश्न इस मिलन का और डिजिटल होकर बहुभाषी क्षमता के साथ सशक्त होते स्थानीय शासन का। जय हिंद।